दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में एक अच्छी खबर भी सामने आई है। शुक्रवार को स्लोवेनिया वो पहला यूरोपियन देश बना जिसने कोरोना वायरस महामारी की समाप्ति की घोषणा कर दी। इस देश की सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी अब नियंत्रण में है। स्लोवेनिया सरकार ने महामारी को समाप्त करने की घोषणा करते हुए यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स के लिए अपनी सीमाएं भी खोल दी और आगमन पर 7 डे क्वारंटीन की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया। देश के प्रधानमंत्री जनेस जांसा ने बताया कि इस महामारी में पूरे यूरोप में स्लोवेनिया सबसे अच्छी स्थिति में है, जिसके चलते वो कोरोना फ्री होने में सक्षम हुआ है। स्लोवेनिया में पहला कोरोना वायरस केस 4 मार्च को दर्ज किया गया था। वहीं 12 मार्च को कोविड-19 को राष्ट्रव्यापी महामारी घोषित कर दिया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक अब तक स्लोवेनिया में 1400 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले दर्ज हुए हैं और 103 लोगों की जान जा चुकी है। दिन ब दिन यहाँ संक्रमितों के मामले घटते गए हैं और 14 मई को सिर्फ 2 ही मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना फ्री होने की घोषणा के बाद भी स्लोवेनिया में सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा रहेगा और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य है।